In this video, we are going to study about the value analysis. Value analysis is a systemic study of every element for its cost in a part, material or service to make certain that it performs its function at lowest possible cost. ठीक है, value analysis का मतलब है कि that I have already told in the previous videos कि जो हम pharmaceutical drug product बना रहे हैं ultimately वो हमें best of the best quality का बनाना है with the least investment that we can make but not compromising with the quality. ठीक है, तो उस analysis को we are saying value analysis. Values are of four types. First is the user value, esteem value, cost value and the exchange value. आप अगर चाहें तो इन्हें डिटेल में एग्जैजरेट कर सकते हैं अगर आपसे ये सेपरेटली एग्जाम में पूछा जाए. वैसे ये एक डिफरेंट टॉपिक बिल्कुल अलग से पूछा जाता नहीं है यूजुअली. नेक्स्ट इज द वैल्यू रेशियो. वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन अपॉन टोटल कॉस्ट. परचेजिंग. व्हाट इज परचेजिंग? इट इज एन एक्टिविटी विच इज डिरेक्टेड टूवर्ड सिक्योरिंग द मटीरियल सप्लाईज इक्विपमेंट्स एंड सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. First is the centralized and second is the decentralized. Centralized purchasing is a system in which one department manages the purchasing of goods and services for the entire organization. Centralized purchasing एक ऐसा system, एक ऐसा department है जो manage करता है purchasing of goods for entire organization. पूरी organization के लिए वो सारी चीज़ें खुद से manage कर रहा है. ठीक है, क्या क्या मंगाना है एक ही department मंगाएगा. Decentralized मतलब कि जो purchasing हो रहा है वो अलग अलग बिजनेस यूनिट्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोकेशन पर अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रही है. अपने पर्टिकुलर मतलब डिपार्टमेंट बोल लेंगे ना तो नहीं वजह से एक जगह एक कंपनी है सपोज. ठीक है, एक प्रोडक्शन यूनिट है उसने अपनी अलग अलग ब्रांचेज अलग अलग जगह में कर दिए तो वो उस पर्टिकुलर ब्रांच का एक पर्टिकुलर हेड होगा वो डिसाइड करेगा अपनी खुद की यूनिट की परचेजिंग. ठीक है, पूरी उसकी वैल्यू एनालिसिस करके वो उसकी सारी परचेजिंग और सेलिंग डिसाइड करेगा तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग.